चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने ही देश में खुद को हीरो के तौर पर स्थापित कर लिया। क्या है ये पूरी खबर, आधे मिनट में आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखा। शी जिनपिंग जब से चीन के राष्ट्रपति बने हैं तब से खुद को माओ ज़ेडुंग और डेंग जियोपिंग के बराबर समझते थे, जिस पर आखिरकार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मुहर लगा दी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में जिनपिंग को देश के महानतम नेताओं में से एक के रूप में सम्मानित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। जिनपिंग को ताउम्र राष्ट्रपति बनाने का रास्ता साफ हो गया है। पहले चीन में एक व्यक्ति दो ही कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति रह सकता था, लेकिन अब प्रस्ताव के बाद जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। जिनपिंग का कार्यकाल 2022 में खत्म हो रहा है। अब चीनी किताबों में जिनपिंग के गीत गाए जाएंगे और उन्हें युग बदलने वाला नेता कहा जाएगा। चीन ने सुपर पावर बनने की सनक में अपनी नेवी की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी की है और साथ ही अमेरिका और रूस को भी इसमें पीछे छोड़ दिया है। चीन दुनिया का मुखिया बनने को बेताब है और इसके लिए अपनी सेना को हर हिस्से में ताकतवर बनाना चाहता है। जिनपिंग की इसी हसरत ने उसकी नौसेना को अमेरिका और रूस से भी ताकतवर बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि चीन की नौसेना अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन गई है। संख्या के लिहाज से अब दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज चीन के पास है। चीन के पास अभी 355 लड़ाकू पोत है। वही अमेरिकी नौसेना के पास 296 वॉरशिप है, तो रूस के पास 295 वॉरशिप है और ब्रिटेन के पास महज 69 है। चीनी नौसेना में जल्द टाइप 003 पोत शामिल होने वाला है, जो अमेरिका के सुपर कैरियर से काफी ज्यादा ताकतवर है। चीन समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है, जिसका मकसद अमेरिका को चुनौती देना है। इधर चीन से तनाव के बीच में अनिक सेन गुप्ता को बनाया गया है फायर एंड फ्यूरी कोर का कमांडर। लद्दाख में तैनात फायर एंड फ्यूरी कोर के नए कमांडर बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता। इस महीने के अंत तक सेन गुप्ता संभालेंगे जिम्मेदारी। लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन की जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता लेने वाले। तो ये एक बड़ा बदलाव किया गया है और बताया जा रहा है कि महीने के अंत तक पद जो है वो संभाल लेंगे। फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर बनाए गए हैं अनिंग सेन गुप्ता। ये नई जानकारी है। लद्दाख में फायर एंड फ्यूरी कोर के नए कमांडर हैं और ये बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक वो जिम्मेदारी को संभाल लेंगे।